नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। गुना जिला अस्पताल इस बार फिर सुर्खियों में नजर आ रहा है। यहां पर स्टाफ ने ही चोट वसूली की एक तस्वीर सामने पेश की है, जहां जिला अस्पताल में लगातार चोट वसूली की जा रही है। चोट वसूली पर्चे के नाम पर की जा रही है। इसकी एक शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे की गई है। इसके बाद भी अभी तक प्रशासन इस बारे में मौन नजर आ रहा है। आपको बताने की सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रही है, इसके लिए कई योजनाएं तैयार की जा रही है। वहीं आयुष्मान कार्ड को लेकर भी गरीबों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसकी योजना तैयार की गई है। लेकिन यहां पर उसी योजना पर कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा पानी फेरा जा रहा है। आपको बता दें, इस पूरी चोट वसूली की तस्वीर का एक वीडियो जारी हुआ है। आयुष्मान कार्ड लिया, हफ्ते ही इलाज होता, 1 रुपया ले लिया। आयुष्मान कार्ड के खर्चा मन का नाम करना आपके सामने बन जाना। तुम्हारा राशन नहीं लेकर अब बिल्कुल पर्चे के पैसे मत देना, पैसे नहीं लगते। तुम तो पहले कितने अरे दो पर्चे बनवा के पूछ रहे उनसे, बेवकूफ हूँ मैं। दो पर्चे बनवाए सामने वाले कैसे क्यों लिए तुमने, जो बताओ पर्चे के पैसे क्यों लिए 50 रुपए? वो पर्ची बना के मेरे उनको मान पड़े क्या कोई? मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ा। एक मिनट, चल पैसे दो। गया मैंने पकड़, अब तो पैसे दोगे तुम? अब तो पैसे दोगे? मत दिखा दे। काय क्यों सियारी, काय क्यों सियारी, तू सियारी मत दिखा। काय क्यों सियारी बताओ, पैसे काय के लिए तुमने? अरे वो पर्ची बनवाए तुमने, ठीक है? दो फ्री लग रहा है ना इसको तो। अरे भाई साहब, वो पर्ची दूसरा बना है, इनकी भर्ती वाला है, मैंने उसे ही नहीं पता। अरे मैडम पता है 70,000 रुपए रोज महीने के आर केस खा रहे हैं ये लोग। हम खा रहे हैं, मैंने आपको कंप्लेंट करी, लेकिन आपने शिल्पा मैम ने सी एस सर ने बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पर्चा बताओ भैया, लाओ भैया, क्यों नहीं करूँगा मैं तो। अरे पत्रकार क्या करेंगे यार, पत्रकार नहीं सुनते, पत्रकार नहीं सुनते, कलेक्टर भी नहीं सुनता। फिर यहाँ के लोग भी नहीं सुनेंगे यार, वो 10 बार सुनेंगे, ये चिल्ला चोट होगी तो। नहीं हुआ क्या है? पर्चा फ्री है ना, दो पर्चे बनवाए उसके पास, उसके बाद देखिए जाके दो पर्चे एक और बनवाया था भैया, ये देख ले बस, ठीक है ना? दो पर्ची एक साथ ही, वो पहले बनवाया था, बहुत पहले, अभियाली बनवाया, दो पूछ ले, अभियाली बनवाया पहले के पर्चे के पैसे, अभियाली बनाया उसने, सामने वाले पूछ ले, मुझे मुझे तो पैसा कब लाया था पर्चा? 9 बजे भर्ती, 9 बजे पर्चा बनवाया था मैंने। कितने लाए थे? 4 रुपये मांग रहे थे, 50 रुपये में फ्री लिख रही है ना पर्चे, फ्री थे, हमने को जानकारी 50 रुपये लिए अभी बोलने। नौ बजे की है, तुम तो कितने लिए थे भाई साहब पैसा? 50 रुपये तो हो जाओ, कितने? 10 रुपये अलग लाए थे, 50 ही लाए थे, 60 रुपये लाए थे मतलब तुमसे।
तुमसे साठ लाए थे तुमसे पर्चा तो फ्री होंगे तुम तीन अंक रुपए लिए जा रहे हैं वो किस बात के लिए जाते हैं मरीजों से सर ये एक्चुअली चार्ज तो लगता है लेकिन ये लोग क्या करते हैं आयुष्मान में डाल दिया बीपीएल में डाल दिया सीनियर सिटीजन में डाल दिया एपीएल का परचेस रहता है एपीएल ही रहता है लेकिन ये लोग क्या वो बीपीएल में डाल के मजदूर गरीब लोगों से पैसा वसूली करते हैं और पूरी अस्पताल की मिली भगत है इसमें कंप्लेंट काफ़ी हो चुकी है लेकिन ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कलेक्टर रूम में आवेदन दे के आ गया सब कुछ करके आ गया लेकिन फिर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता सर और जैसे कि ये लोग पैसे कैसे लेते हैं जैसे कोई गरीब आया उससे 60 रुपए ले लिया भर्ती के ठीक है ना उसके पैसे नहीं लगते 60 साल की उम्र वाले के पैसे नहीं लगते जिसके पास आयुष्मान कार्ड है तो गरीबी रेखा में उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं लगते लेकिन ये उन लोगों से पैसे लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और इसमें बताइए कि मान लीजिए 60 साल से कम है उसके कितने पैसे लगते हैं 60 रुपए लगते हैं सर 60 रुपए लगते हैं हाँ लगते हैं लेकिन ये लोग बीपीएल में डाल देते हैं किसी को पता थोड़ी है ना ही आरटीएस दिखता है ना कलेक्टर दिखता है ना अस्पताल ये कोई भी नहीं देखेगा ये चीज़ ना ही कोई जानकारी लेते भाई कितना पेशेंट आया कैसे एपीएल बनाया कैसे बीपीएल बनाया उसका प्रूफ तो होना चाहिए ना सर कि हाँ मैंने ये एपीएल बनाया उसका ना ही मोबाइल नंबर डाल दे कभी पेशेंट का क्योंकि मोबाइल नंबर डालेंगे तो यूँ की चोरी पकड़ी मिल जाएगी चाहे तो एक आईडी खोल के खुद से हम देख सकते हैं चेक कर सकते हैं कितना कैसे पैसे लिए इसके जरिए मैं बताता हूँ ओपीडी नंबर होता है उससे देखें आप वो कैमरे से मैच करें कि इसने इस टाइम पैसे लिए क्या नहीं लिए ये पर्चा बना इस टाइम पैसे लिए क्या नहीं लिए सब पता चल जाएगा कि उन्होंने एक दिन के 1000 रुपये एक आदमी रोज ले जाना है जो वहाँ काउंटर पर बैठते हैं तो वो काली कमाई है हाँ 6 लोग हैं 6000 रुपये रोज के ले जाते हैं तो महीने का लगा लो आप आरकेएस का पैसा फिर भी आरकेएस का पैसा जा रहा है ये क्यों जा रहे हैं आरकेएस ने क्या बोल दिया अभी पैसे नहीं है बेचारे 15 लोगों को निकाल दिया जो लोग इतनी धांधली तो कर रहे हैं अच्छा कौन कौन शामिल है इसमें कुछ पता है इसमें पूरा प्रशासन है पूरा मतलब अस्पताल स्टाफ है सीएस से लेके ऑपरेटर तक सब पैसे का सब घूसखोरी का क्या नाम है आपका मेरा नाम आसिफ खान है